लीजिए, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मैंने कल आपको एक इतिहास पढ़ाया था, हमने क्यों पंचवर्षीय योजनाएं ली इसके बारे में बताया था। अब पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से हमने इसके बारे में सारी बातें ली, तथ्यात्मक जानकारी तो कल मैं आपको दे चुका था। ईयरली करंट अफेयर कब तक आएगा, ये भी अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, है ना। रेड टेपिज्म होता है लाल फीता शाही, लाल फीता शाही का मतलब होता है कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स की बातें चलना, है ना। बिल्कुल, अब आइए अब पढ़ लेते हैं ना। अब जो भी बातें करनी हो क्लास के बाद में करना, है ना। 40 मिनट की क्लास होती है केवल ये, और 40 मिनट की क्लास के बाद में फिर जो भी बातें हो आप मुझसे कर लेना, जो भी आपके मन में क्यूरियोसिटी हो सारी बातें मैं आंसर दे दूंगा, है ना। चलिए तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कल मैंने आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, और मैंने बताया था कि पंचवर्षीय योजनाओं को लाने के पीछे का लॉजिक क्या था। तो लॉजिक हमने ये पढ़ा कि भाई अल्टीमेटली भारत को एक रास्ता चाहिए था कि वो कैपिटलिज्म अपनाए या कम्युनिज्म अपनाए। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में हमें कुछ भी नहीं जमा और हम बीच का एक रास्ता अपना लिए, दैट इज मतलब एक प्रकार से प्लानिंग अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म, ठीक है। अच्छा, हालांकि विदेशी ताकतें जितनी भी थी, चाहे फिर वो अमेरिका हो, यूरोप हो, उन सबको यही लगता रहा कि भारत साम्यवाद से प्रभावित होकर निर्णय ले रहा है ना। तो ये सब बातें फिलहाल का इशू नहीं है डिस्कस करने का कि भारत ने ये निर्णय क्यों लिया। तो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐतिहासिकता की, इनसे जुड़ी हुई कुछ पुरानी बातों की, कब कब योजना के अंदर क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें आपके साथ इस सेशन में डिस्कस की जा रही हैं। तो इमर्जेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले 1938 में, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया गया था नेहरू जी के नेतृत्व में, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण और इसकी सिफारिशों को लागू करने की बातें की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। तो सबसे पहले देखिए, ये वो प्लानिंग कमेटी है, ये क्यों चर्चा में आई इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको यदि याद हो तो अभी भारत के मनोज मुकुंद नरावणे जो हैं वो किसी देश की यात्रा पर गए थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जहां पर भारतीय सैनिकों के वो बनाए जा रहे हैं कि भाई भारतीय सैनिक जो इस वर्ल्ड वॉर के दौरान शहीद हुए, इटली, है ना। अच्छा, तो साथियों वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक क्यों पहुंचे थे, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। वो पहुंचे इसलिए थे क्योंकि मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी ने भी अनुमति दी थी इंडियंस को जाने की, यानी इस प्लानिंग कमेटी ने केवल अर्थव्यवस्था का ही निर्णय नहीं लिया था, इसने ये निर्णय भी लिया था कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, है ना। तो इसकी वजह से 1939 जो ये वो समय थी है, कांग्रेस जो था ना उस समय इतना प्रभावी हो चुका था कि अपने आप में एक प्रकार से समझिए अपोजिशन की भूमिका निभाता था वो इंडिया में, है ना। बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया और बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। तो आप में से जो लोग ये मानते हैं कि भारत में उद्योगपति आजादी के बाद निकल करके आए, तो ये बात भी आपकी गलत है। भारत में जो उद्योगपति हैं ये आजादी से पहले ही भारत में थे, ये टाटा, बिड़ला, ये जितने भी लोग आप सुनते हैं ये ऑलरेडी थे, जमना, जमना लाल बजाज, ये सब पहले से हुआ करते थे, है ना। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है बॉम्बे प्लान क्या था, तो केवल ये एक प्रकार का प्लानिंग अर्थव्यवस्था के लिए एक सलाह थी कि भारत को आजादी के बाद में इस प्रकार से आगे बढ़ना होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, है ना। तो ये इज पीपल्स प्लान। अब ये वो व्यक्ति है साथियों, गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल ने गांधी जी के नाम पर, कि गांधी जी ऐसा होते तो गांधी जी ये चाहेंगे, है ना, गांधी जी की मतलब रिकमेंडेशंस पे पीपल्स प्लान। ये एमएन राय वो व्यक्ति है साथियों जो भारत में चाहते थे साम्यवाद का विकास हो। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत प्यारा सवाल है, हम, है ना, क्या बोलते हैं इसको, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी कि भारत में साम्यवाद आज तक पनप क्यों नहीं पाया, है ना। अगर ऐसा ही है तो भाई जो हमारी कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं विचारधाराओं के आधार पर अगर देखें तो क्यों नहीं भारत ने पूंजीवाद के विकल्प के रूप में साम्यवाद को अपनाया, जबकि हमारे यहाँ गरीब भी बहुत थे, और तो और भारत में साम्यवादी पार्टी भी बहुत थी। भाई कम्युनिस्ट पार्टी आज की नहीं है, भारत में साम्यवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो साम्यवादी पार्टी में ये जो एमएन रॉय हैं ये तो भैया बिल्कुल रशिया वशिया भी जाके आए थे, वहां से सब सीख के आए थे, है ना। भारत में साम्यवाद के प्रवर्तक हैं ये, कि भाई हाँ ठीक है, मतलब साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सवाल बहुत बड़ा ये बना कि यार इंडिया में
क्योंकि इंडिया तो पूंजीवाद से पिटा हुआ बैठा था, तो साम्यवादी तो सीधा हो जाना चाहिए था हमें। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या अपनाया? तो साथियों, उस समय की कांग्रेस ने साम्यवाद भी नहीं अपनाया और पूंजीवाद भी नहीं अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया, है ना। तो वो जो मध्यम मार्ग है उसमें एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि सर, भारत में तो गरीब बहुत हैं, और भारत में गरीब बहुत हैं तो गरीबों ने खुद से ये क्यों नहीं चाहा? क्या साम्यवादी लोग अपनी बात बता नहीं पाए क्या दुनिया को कि सबसे अच्छी चीज क्या है, किस प्रकार से मतलब गरीबी दूर हो सकती है? क्योंकि साम्यवाद तो सबसे बड़ी चीज यही है कि उसकी परिभाषा है सर्वहारा वर्ग का शासन। भाई, साम्यवाद की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? सर्वहारा वर्ग का शासन। तो क्या साम्यवादी लोग किसी चीज से डरे हुए थे क्या कि भारत में साम्यवाद को प्रसारित नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। असल में साम्यवादी जो भी चीज लेके आते थे वो कांग्रेस भी ले आती थी। देखिए, आप और हम जैसे लोग जानते हैं कि ये एक विचारधारा है। साम्यवादी थोड़ी कहते हैं इस चीज को कि हम साम्यवादी विचारधारा फैलाना चाहते हैं। वो तो क्या कहते हैं कि हमको चाहिए आजादी, किस चीज से? भुखमरी से, अशिक्षा से, है ना। ये चीजें जो है कि हमें चाहिए मतलब उद्योगपतियों से, तो ये तो सब आदमी चाहता है यार। तो जब सब आदमी यही चाहता है तो फिर साम्यवादियों की तरफ लोगों का मतलब वो क्यों नहीं हुआ? मतलब क्या किसी ने मना किया हुआ था क्या उनको? साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब कम्युनिज्म, पूंजीवाद, पूंजीवाद का मतलब कैपिटलिज्म। तो भाई, एक प्रकार से ये तो था नहीं कि साम्यवादी लोग अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। तो भारत में तो साम्यवादी पार्टियों का वर्चस्व होना चाहिए था, जैसे नेपाल में है। आज ही मैंने आपको सुबह नेपाल पढ़ाया है ना। तो टेक्निकली तो नेपाल जैसा भारत में भी होना चाहिए था। क्या आपको बात समझ में आई? तो अब इसका आंसर समझिए। असल में कांग्रेस ने ना साम्यवाद के खत्म करने के बहुत सारे प्रयास किए, साम्यवाद को नहीं, साम्यवादियों को जो भारत में पनप रहे थे। क्योंकि इस कांग्रेस जो भी साम्यवादी लोग विचार किया करते थे उन प्लानिंग को खुद के एजेंडे में शामिल कर देते थे। कांग्रेसियों की आदत क्या थी? कांग्रेसियों की आदत ये थी कि साम्यवादी लोग जो भी प्लानिंग करते थे, और ये बहुत बड़ा सवाल है ये, मतलब अगर मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जाता है ये कि भारत में साम्यवाद क्यों नहीं पनप पाया, रीजन, क्योंकि जो कम्युनिस्ट लोग होते थे, कम्युनिस्ट कौन हुए? जो चाहते थे कि सर्वहारा वर्ग का शासन हो, आम आदमी का सब पर अधिकार हो, है ना, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, ये जो बातें करने वाले लोग थे, इन लोगों की जो भी डायलॉग बाजी होती थी इनको कांग्रेस खट से उठा लेती थी। तो कैसे उठाती थी आप देख लीजिए। भारत में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब नारा दिया गया था ना कि गरीबी हटाओ, भाई साहब, वो रातों रात सुपरस्टार बन गई थी, रातों रात सुपरस्टार। और जैसे ही, हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि वॉइस मिसमैच हो रही है। अरे, साम्यवाद का मतलब समझा चुके हैं भाई, कितनी बार बताएं? साम्यवाद बोले तो कम्युनिज्म, एक तो अंग्रेज बहुत हैं हमारी क्लास में, हैं? एक बार रुकिए, हम वॉइस इसको रिफ्रेश कर दे रहे हैं, फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो अपना जो है ना अब ठीक है। अच्छा, तो साम्यवादी का मतलब समझ में आ रहा है? मैंने आपको, अगर हाँ, अगर आप एकदम ही बिल्कुल उतर के, नया नया अवतरण हुआ है आपका इस क्लास में, तो शायद समझ में ना आए। इसके लिए आप मेरी पुरानी क्लासेस देखिए जिसमें मैंने साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये सिखाया हुआ है ना। तो अब सवाल क्या बना? तो सवाल ये बना कि कांग्रेस ने टेक ओवर करना शुरू किया, और यही कारण था कि जो पीपल्स प्लान आपको यहां दिखाई पड़ रहा है ये बिल्कुल एक प्रकार से साम्यवादी प्लान था। कांग्रेस को इसको ले लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इनका ही निचोड़ निकाल के क्या बना दिया? योजना आयोग बना दिया। तो ये सब चीजें मिल मिला करके योजना आयोग का निर्माण हुआ था। योजना आयोग कोई एक दिन में नहीं बन गया था। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है साथियों कि पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात हो ही गई है तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि पंचवर्षीय योजना का मतलब है अगले 5 साल के लिए कोई ना कोई अब हमारे पास में एजेंडा होगा। लेकिन अगले 5 साल में एजेंडा क्या होगा इसका निर्णय जो है ये योजना आयोग लेता था, और कुछ टारगेट फिक्स करके देता था। जैसे अगर मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकलें, आप जरा कभी ऐसे विचार करिए, अभी आप कहीं मत निकलिए, लेकिन आप इतना सा, हाँ भाई, प्लानिंग कमीशन दैट इज योजना आयोग, है ना। अच्छा, आप घर से किसी दिन गेट से बाहर निकलिए बिना डिसाइड किए कि आप कहाँ जाएंगे, बस घर से निकल जाइए, आप घर से बाहर खड़े हो जाइए। अरे यार, ये बफर बफर करने वाले जो लोग हैं, मेरा निवेदन है, एक बार पोल देखिए, आप लोग रिदम को बिगाड़ दे रहे हैं। क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं?
देखिए, तो जो लोग अब यहां से आगे बफर बफर चिल्लाएंगे उनसे निवेदन है कि मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा, परेशान ना हो, है ना। आप अपना अपडेट कर लें, इंटरनेट चेक कर लें, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए साथियों, तो अब सवाल यह है कि आप घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकले और मैंने आपसे कहा कि जाइए, आप घर से बाहर जाइए और कहीं भी जाइए, आप घर से बाहर निकले, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप बस खड़े हुए हैं कि क्या करना है। इस स्थिति को कहते हैं हिंदी में एक बहुत बड़ा शब्द है, किम कर्तव्य विमूढ स्थिति, कि पता ही नहीं है कि किधर जाना है, एम्बिगुअस सिचुएशन, कि कहां जाएं यार, कुछ पता ही नहीं है ना। अच्छा, तो आप बिना बाहर जाके खड़े हो गए, लेकिन देश को आजादी के बाद में अब एक दिशा पकड़नी थी। दिशा क्या थी, मैंने आपको कल भी बताई थी, या तो भाई हम लोग अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर किस चीज में बना सकते हैं, सबसे पहले जो बंद पड़े उद्योग धंधे हैं उनको देखिए, आप पहले मतलब आवश्यकताओं को समझें, फिर हम इस 5 वर्षीय योजना को पढ़ेंगे। पहली आवश्यकता थी हमारी, सबसे बड़ी आवश्यकता, कि हमारे पास गरीबी का नाश होगा, यानी गरीब लोग जो हैं वो ना रहे, गरीबी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं गरीबों को मार दो, मतलब गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी उत्थान के लिए क्या काम किए जाए। दूसरा, भोजन हमारी दूसरी बड़ी किल्लत थी, और तीसरा, रोजगार हमारे लिए चौथी तीसरी बड़ी किल्लत थी। ये ऐसे इश्यूज थे जिन्हें भारत को किसी भी स्थिति में टैकल करना जरूरी था अगर हमें एक सक्सेसफुल देश होना था तो। अच्छा, तो क्या किया गया, आइए मैं बताता हूं साथियों। सबसे पहली बात आती है गरीबी को कैसे मिटाया जाए। तो हमारे पास में गरीबी से ज्यादा समस्या जो है ना वो भोजन की है। अब आप पूछेंगे क्यों सर, गरीब के पास भोजन थोड़ी होता है। नहीं यार, आप आज भी अगर नोटिस करें, सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं जिसमें भोजन की व्यवस्था, गेहूं की, अनाज की व्यवस्था सरकार के द्वारा बहुत ही कम दामों पर की जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री जैसा ही है। अच्छा, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है वो भोजन नहीं करेगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। भोजन पहली प्राथमिकता है। अब भोजन हम पैदा कैसे करें, जनसंख्या तो हमारी बहुत है, अब भोजन पैदा कैसे करें। तो इसके लिए भारत ने क्या किया साथियों, फोकस करना शुरू किया कि हम एग्रीकल्चर क्षेत्र को ग्रो करेंगे। तो पहला 5 जो साल है इसका हमने टारगेट क्या लिया कि हम एग्रीकल्चर के अंदर अपने आप को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशियंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो टारगेट की ग्रोथ की गई कि भाई हम देश की तरक्की कितनी परसेंट प्रस्तावित करते हैं, तो हम लोग 2.1% की देश की तरक्की प्रस्तावित करते हैं। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब होता है सर, 2.1% तरक्की का मतलब क्या होता है ना। सर आपकी प्लस क्लास टेलीग्राम पर भी बीच रहे हैं लोग, वीडियो बेच रहे हैं। हाँ बेटा, हो सकता है ना, मतलब इस चीज के अंदर कोई एथिक्स वाली बात नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है ना, वो इन सब चीजों को एंटरटेन करता ही नहीं है, उसको एक ही क्लास नहीं चाहिए ना, उसको सब चाहिए, उसको सारा कंटेंट चाहिए। तो ये सब दिमाग मत लगाइए, है ना। हाँ, ये सब होता क्या है कि पायरेसी है, ऐसी तो मेरी बुक भी जो है जाने कितनी जगह लोगों ने इधर से उधर बेच दी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। जो क्या होता है ना, एक विद्यार्थी एथिकल होता है तो ही पढ़ पाता है, अनएथिकल तरीके से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी सक्सेस का कोई भी तरीका अनैतिक तरीके से नहीं जाता। आपको लगता होगा कि पेपर कोई नकल करके पास हो जाएगा तो अधिकारी बन जाएगा, चल ही नहीं पाते, दूसरे दिन पकड़े जाते हैं ऐसे अधिकारी। उन सब चीजों को छोड़िए, कभी बाद में बात करेंगे। तो एक्चुअल ग्रोथ जो है हमारी भाई साहब कितने परसेंट हो गई, 3.6% हो गई। पहले हम बात करते हैं 2.1% का मतलब क्या था, पहले इसको समझते हैं साथियों। 2.1% का मतलब ये था कि अगर हम लोग 100 रुपए का सामान पैदा कर रहे थे भारतवर्ष में, जो हम सामान पैदा कर रहे थे अगर वो 100 रुपए का था, तो अब हम उसे 102 रुपए का पैदा करेंगे। बोले क्या भाव बढ़ा देंगे, जी नहीं, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में 2.1% की तो हमने ग्रोथ प्रोजेक्ट कर ली। दूसरी, वास्तविकता में हमारी ग्रोथ हुई कितनी, 3.6% हुई। तो हमने पहला किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पर, ताकि हमारी भूख खत्म हो सके, क्योंकि अभी हम गरीबी से बाहर निकले ही थे। साथ में यहां पर एक और दर्द भारत के साथ था, और वो दर्द क्या था, भारत का पार्टीशन एक बहुत बड़ा दर्द था। भारत का भारत और पाकिस्तान में विभक्त हो जाना एक अपने आप में बड़ा दर्द था। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वर एस्टैब्लिश्ड, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि IITs को कब स्थापित किया गया था। तो साथियों, IITs की स्थापना पहले बार पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब आप सोच के देखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में भारत ने कितना आगे का सोचा कि भाई ये जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा बहुत बुनियादी आवश्यकता है,
और शिक्षा में भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी आवश्यकता हो। तो अब आप पूछेंगे, सर एक बात बताइए कि आपने जो लाइन बोली कि इंस्टीट्यूशंस खोले गए, तो सर क्या ही मतलब था? मतलब IITs इतने अच्छे कैसे बन गए? सरकार ने ऐसा इसमें क्या कर दिया? क्या हम लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे क्या उस समय पे? मतलब हमने IITs खोली और जस्ट से बाद देखा सर अचानक IIT सुपरस्टार हो गई, है ना? तो मैं आपको बताता हूं साथियों, वास्तविकता यह है कि हम लोगों ने IITs के लिए जगह उपलब्ध करवाई, बस इतना समझिए। भारत में IITs का विकास करने के लिए भारत ने अन्य देशों के साथ टाई अप किया। जैसे वर्ल्ड की नंबर वन यूनिवर्सिटी जिसका नाम MIT है, इसने IIT कानपुर को डेवलप किया, है ना? किसी ने ऑक्सफोर्ड को डेवलप किया, किसी ने किसी 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 आईआईटी को ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया, किसी को, है ना, ब्रेटन वुड ने। मतलब ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज टॉप टॉप हैं, इन सब ने अपने लिए एक IIT चुन ली। इन IITs को निर्मित किया गया। ऐसे ही अगर आप कभी IIT कानपुर घूमने जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि वो बिल्कुल MIT जैसी ही बनी हुई है। मतलब वहां पर भी कॉरिडोर वैसे ही बने हुए हैं जैसे MIT में बने हुए हैं, एग्जैक्टली वैसा ही प्लान करके बनाया गया है, ठीक है? ऐसे ही अगर आपको मालूम हो तो अभी रिसेंटली शायद 23 IITs हो चुकी हैं इंडिया में, है ना? हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में IITs हैं उनको इन पुरानी IITs ने डेवलप किया है ना? तो इन पुरानी IITs ने, जैसे IIT जोधपुर को IIT कानपुर ने डेवलप किया है, तो जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो छोटों को डेवलप करने के लिए, तो ये तरीका एक बहुत अच्छा तरीका निकला, है ना? अच्छा, भाखड़ा नांगल डैम, क्योंकि जल की आवश्यकता सर, हीराकुंड डैम, मैटूर डैम, ये सारे के सारे डैम जो कि भारत का कायाकल्प कर सकते थे, इनको मेरे प्यारे साथियों किसने विकसित किया था? इनको भी भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना में प्लान किया गया था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए साहब, इतनी बात समझ में आ गई? तो आपसे यहां पर क्या सवाल पूछा जा सकता है? तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किसने किया? पहला, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर किस चीज पर फोकस किया गया था, है ना? मतलब हमने हमने किस चीज पर फोकस किया? हमने कृषि पर फोकस किया, उद्योग धंधों पर फोकस किया, सेवा पर फोकस किया, तो हमको एग्रीकल्चर याद रखना है ना? तो तथ्यात्मक रूप से आपको क्या याद रखना है ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं सेकेंड वाली पर। तो साथियों सेकेंड, अब आपको समझ में आ गया पेपर में सवाल कैसे पूछा जाएगा। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने भोजन पैदा करना तो शुरू किया, लेकिन देश आजाद होते ही भाई आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया लड़ते रहो आजादी आने वाली है, आजादी आने वाली है, एक दिन आजादी आ गई। अब एक दिन आजादी आ गई तो लोग कह रहे हैं कि भैया जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, अलग क्या है? अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास कोई ऐसा खजाना थोड़ी खोल दिया था, हमने अंग्रेजों को घर से भगाया कि हम तो बहुत अच्छे से बिल्कुल सेल्फ डेवलप्ड हैं, हमें किसी भी प्रकार की अब कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। यार जैसी आवश्यकताएं पहले थी अब भी थी, और अब तो और बड़ी टेंशन ये थी कि अब लोग डरते भी नहीं थे, अब लोग डरते भी नहीं थे। मतलब समझ रहे हैं इस बात का? मतलब ये हुआ कि लोगों को अब तो ये था कि अंग्रेज तो है नहीं, हमारा खुद का शासन है, हमारा खुद का शासन है, तो अब हमको चाहिए रोजगार। आज एक बात बताइए, आप बेरोजगारी के लिए आंदोलन खड़े करते हैं, क्यों करते हैं भाई, है ना? हैशटैग प्रमोट करवाते हैं रेलवे एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, क्यों करते हैं? क्योंकि तो आप कहते हैं हमारी सरकार है, हमको ही नहीं दे रही यार, हक है ना, हक वाली फीलिंग है यार, मेरा है, मेरे को नहीं दे रहे। अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं होता था। तो बोले अच्छा, तो भाई यहां पर भी यही हुआ इस सरकार के साथ, भोजन की व्यवस्था जैसी होगी। देखिए बातें ज्यादा वही करता है जिसका पेट भरा होता है, बातें ज्यादा वही करता है जिसका पेट भरा होता है। और जब जिसका पेट भर गया, क्योंकि रोटी की व्यवस्था तो हमने शुरुआत में कर ली, तो अब बातें करने का समय था, देश में आंदोलन करने का समय था कि भैया रोजगार दो। अब भैया सबका रोजगार कैसे व्यवस्थित किया जाए? तो रोजगार के लिए जरूरी था कि भारत में इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर पेट तो भर सकता था लेकिन धन नहीं भर सकता था। तो क्या किया जाए? तो साथियों हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, प्रमोट करने के स्थान पर हमने किसको प्रमोट किया? इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। और इसमें हमारा जो सपोर्ट किया वो किसने किया? PC महलनोबिस ने, है ना? ये एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे एक प्रकार से समझिए कि सलाहकार समझिए आप, है ना? तो सलाहकार समझिए। तो इनके द्वारा एक मॉडल प्रस्तावित किया गया। और मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं था, नेहरू जी ने जाने कितने ही लोगों से सलाह मांगी थी। ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई तुम्हारी सलाह दे दो, क्या सलाह है, तुम्हारी सलाह मान लेंगे, नहीं। बात समझ में आ रही है?
क्लियर हो रहा है? तो कहने का अर्थ यह है कि हमने बहुत सारे सलाह मांगी थी, बहुत सारे ऑप्शंस मांगे थे, उनमें से महल नोबिस का मॉडल हमें समझ में आया। इसका मुख्य फोकस देश के औद्योगिक विकास पर था, अर्थात नेहरू जी को यह समझाया गया कि सर सुनिए, अगर आपको देश आगे चलाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम भारत को अगर इंडस्ट्रीज के साथ साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित ही भारत के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अब आप लोग ना अक्सर एक बात पूछा करते हैं, बहुत ही इकोनॉमिक्स का कॉमन सा सवाल है। सवाल यह है कि सर एक बात बताइए, भारत के पास अब तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, जब प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी तो भारत अपना रुपया खुद ही क्यों नहीं छाप लेता था, बढ़िया से पैसा छाप ले और बढ़िया से पैसा छाप के इकोनॉमी बड़ी कर ले। अच्छा, इसका आंसर मैंने बहुत बार दिया है, कभी जब मनी वाला सेशन आएगा तब हम उसको भी आपको समझा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि सर एक बात बताइए, जीडीपी बड़ी कैसे होती है? दो बातें समझना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सवाल सिखाता हूं, आप इसको समझना। साथियों, इंडिया ने क्लोज प्रकार की इकोनॉमी अपनाई, बोलो इस बात से सहमत हो, यस और नो में बताओ। हमारे पास दो विकल्प थे, नंबर वन हम अपने पास में क्लोज अथवा ओपन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुने, हमने क्लोज अपना, यानी हमको विदेशों से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम अपना मामला खुद डेवलप करेंगे, ठीक है, हम किसी के साथ में नहीं जुड़ना चाहते, हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मुझे ये बताओ साथियों, ये एक घर है मेरे पास, है ना? अच्छा, मेरे पास एक घर है, मैं जिस घर में रहता हूं, आप एक मात मान के चलिए, मैं इस घर में रहता हूं, इस घर के अंदर 100 लोग रहते हैं, एक कैलकुलेशन ले रहे हैं हम, इस घर के अंदर 100 लोग रहते हैं। आप कहेंगे सर फिर तो जिला ही घोषित करवा दो, इतने लोग रह रहे हैं तो, है ना, वार्ड तो बना ही सकते हो सर, है ना। लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं घर में रहता हूं जहां 100 लोग रहते हैं, और हमारे पास ना कच्चा माल है, कच्चा माल से मतलब क्या हुआ, खेत है जहां पर हम बीज बो सकते हैं, है ना, हमारे पास में अपने खुद के मतलब पाले हुए जानवर हैं जिनसे हम दूध निकाल सकते हैं, उनसे खेती बाड़ी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे ही परिवार में एक व्यक्ति डॉक्टर है जो सबको देख देगा, है ना, एक व्यक्ति टीचर है जो सबको पढ़ा देगा, एक मैकेनिक है जो चीजें सही कर देगा, एक प्लम्बर है, एक सैनिटाइजर, तो सब हमारे पास में कोई ना कोई लोग है, हम पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट है। अच्छा, तो बताइए क्या ऐसी स्थिति जिसमें हम सभी, और ऐसी स्थिति में हम क्लोज की क्लोज हैं, हम किसी से मिलना जुलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि हम लोग जो है वो अपने ही यहां पर क्या कर रहे हैं, सारी सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या इस वजह से हमारी जीडीपी में वैल्यू एडिशन होगा? क्या जीडीपी में वैल्यू एडिशन का मतलब हुआ कि क्या हमारी जीडीपी बड़ी होगी क्या? अब लोग कह रहे हैं नहीं होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जीडीपी बड़ी होती है, जीडीपी बड़ी होती है। बोले क्या मतलब इसका? मैंने कहा मतलब यह है कि आपने यहां पर कुछ सामान और वस्तुएं निर्मित की हैं, निर्मित करने के बाद मान लीजिए कि आपने मिट्टी से एक मटका बना दिया, जब मिट्टी जमीन में पड़ी थी तो जीरो भाव था, लेकिन आपने उसका मटका बना दिया तो 50 रुपए का हो गया। बोले सर ठीक है। तो मैंने कहा यार 50 रुपए का हो गया तो वस्तुएं क्रिएट हुई है ना? बोले हाँ सर। तो वस्तु क्रिएट हुई है तो मतलब जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तु और सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन हुआ दैट इज जीडीपी। तो अब मैंने एक वस्तु निर्मित करी जिसका भाव 50 रुपए है, मैंने 50 रुपए में वस्तु पैदा कर दी, वस्तु पैदा कर दी तो टेक्निकली जब तक मिट्टी थी तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन मटकी बनते ही वैल्यू बन गई। अब सोच के देखो, मेरे पास 100 बीघा में मट्टी मट्टी थी, मैंने सारे मटके मटके बना दिए, है ना भाई साहब, मैंने मटके मटके बना दिए यहाँ पे, और मटकों से मैंने खूब मिट्टी निकाल के मटके बना दिए, और उनकी कीमत 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है। बोले ठीक है सर, मैंने 5 लाख रुपए तक की बना दी, पहले तो हमारे पास 0 रुपए के मटके थे, अब 5 लाख रुपए के मटके हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, तो बताओ भाई जीडीपी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल सर बढ़ गई ना, वैल्यू इंक्रीज हो गई। बोले फिर तो सर क्या ही दिक्कत है, अच्छी बात है, क्लोज इकोनॉमी होना चाहिए। मैंने कहा रुकिए, सारी बातें पहले सुनिए। बोले सर अब सवाल आता है इन बने हुए मटकों को बेचने का, कि भाई बेचने कहां जाएं? बेचने के लिए हमें 100 लोग मिले, हमने उन 100 लोगों से कहा कि भैया ये 50 रुपए का मटका खरीद लो। इनने कहा कि सर मैं मटका खरीद तो लूं, लेकिन मैं कुछ और काम में भी पैसे यूज में लेता हूं। मैंने कहा बताइए जैसे। बोले सर मेरी कुल कमाई 1000 रुपए है, आपने कहा 1 महीने में 2 मटके की आवश्यकता होगी, 100 रुपए मैंने आपको दे दिए,
अब कमाई भी मैं दुकान चला के ही कर रहा हूं, जो पैसा मैं कमा रहा हूं वो आपको दे दूं। तो सर अल्टीमेटली अब थोड़ा सा समझना इस चीज को ना, थोड़ा और इसके अंदर गहराई में घुसते हैं। क्या गहराई में घुस रहे हैं कि 50 रुपए के हिसाब से मैंने 2 मटके एक एक्स व्यक्ति को बेच दिया। मैं भैया तुम यार ये मटके खरीद लो, इसने कहा ठीक है लाओ 100 रुपए ले लो आप। ठीक है, अब 100 रुपए जो इसके पास धन था वो इधर की तरफ ट्रांसफर होके आ गया, ऐसे ही किसी और का धन इधर की तरफ ट्रांसफर होके आ गया। इसने जितने 5 लाख के मटके भेजे, असल में वो 5 लाख रुपए ऑलरेडी ऑलरेडी इस घर में थे। रुकिए रुकिए रुकिए, कईयों के ऊपर से निकल गया, कईयों के ऊपर से निकल गया क्या? अरे भाई 5 लाख रुपए के मटके कैसे बिके? ऑलरेडी इतने पैसे घर में थे, इतने ही थे बस, हो गया। अब वो मटके वालों के पास पैसा चला गया, एक मटके वाला था जिसने 5 लाख रुपए रख लिए। अब उसको सब्जी खरीदने की जरूरत पड़ रही, अब जब वो सब्जी खरीदने की जरूरत पड़ रही है तो वो उन 5 लाख रुपए से सब्जी खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है। नहीं, आप अमीर गरीब के चक्कर में मत पड़िए, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी बता रहा हूं, रुक जाइए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं थोड़ी देर में और रुकिए। अब उसके पास 5 लाख रुपए थे, या फिर 100 लोगों में से 50 के पास 5 लाख रुपए थे। अब वो क्या कर दिए, और जो वस्तुएं वहां पैदा हो रही थी उनको खरीद लिए। भाई किसी से मोबाइल बेचा, किसी ने कुछ बेचा, किसी ने टीवी बेची, किसी ने कुछ बेचा। कहने का अर्थ ये है कि इस पूरे देश ने अपनी जो करेंसी घुमाई वो केवल 5 करोड़ रुपए थी, ये 5 लाख रुपए थी सॉरी, उसी को ये एक दूसरे के बीच ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहे थे। आप एक बात बताइए, मैं एक आदमी से बोला, मैंने कहा भाई सुन, बोले हाँ। मैंने कहा यार मेरे पास एक वन प्लस का फोन है, एक आईफोन है, एक काम कर तू ये आईफोन ले ले और मुझे वन प्लस दे दे। बोले ठीक है लो, ये हो गया। फिर मैं इससे बोल रहा हूं, मैंने कहा यार सुन, मेरे पास एक आईफोन है, तेरे पास वन प्लस है, यार ये ले ले ले। अरे कुछ बढ़ा क्या मेरे पास? अरे कुछ बढ़ा क्या? कुछ नहीं बढ़ा ना, आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं यार हम लोग, मतलब वैल्यू एडिशन नहीं हो रही यार, वैल्यू एडिशन नहीं हो रही तो ग्रोथ कहां हुई? ग्रोथ नहीं हुई तो फिर से ये 5 लाख क्या था? मैंने कहा ये आपको केवल महंगाई बता रहा है, यह आपको केवल महंगाई बता रहा है, 5 की जगह 10 लाख बोल दो। इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हुई। अरे माननीय है, जब तक आप अपने घर से सामान निकाल के दूसरे को बेचने नहीं जाएंगे, अगर अगर मान लीजिए ये वाला जो घर है, अगर ये 100 रुपए के हिसाब से भी मटके बेचने लग गया, कोई बात नहीं, ये 100 रुपए के मटके बेचेगा, सामने वाला सब्जी 100 रुपए में बेचने लग जाएगा, ले जा भाई। वैल्यू कहां से क्रिएट कर रहे हो? अंग्रेज हमें जहां छोड़ के गए हम उतना ही पैसा लेके बैठे रहे, हम उतना ही पैसा लेके बैठे रहे कि लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही पैसे में हम बस व्यापार कर रहे हैं। इसने कहा 100 रुपए का मटका हो गया। बोले ठीक है बेटा तू ले मटका दे दे मेरे को, 100 रुपए पकड़। अब भैया तो इस मटके को बेच करके इस पैसे का क्या अचार डालेगा? बोले नहीं, खाना तो खाएगा। बोले हाँ। अनाज खरीदेगा? बोले हाँ। बोले सब्जी खरीदेगा? बोले हाँ। बोले आधा दुकान पे जो सब्जी कल 50 रुपए किलो थी आज 100 रुपए किलो है, ले पकड़। अरे तो दादा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, आ गई बात समझ में? तो अब सवाल यह बना कि जब वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा तो देश की तरक्की कैसे होगी? बिल्कुल नहीं हुई, देश की तरक्की नहीं हुई, ग्रोथ घटने लगी, ग्रोथ घटने लगी। हम लोगों ने अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, भारत ने अपनी वृद्धि का लक्ष्य रखा 4.5%, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, 100 रुपए वाली चीज 125 रुपए की हो गई, पैसा नहीं आ रहा, बस दाम बढ़ गए। मैं एक प्लॉट परचेज किया, मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट परचेज किया, आज रखे रखे वो 4 करोड़ का हो गया, प्लॉट का साइज थोड़ी बड़ा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ बोले यार कुछ तो गड़बड़ है मामले में, तो फिर करें क्या? तो साथियों सबसे पहली जरूरत ये थी, सबसे पहली जरूरत ये थी कि पैसा कमाने के लिए पहले हमें इस तरफ चलना पड़ेगा। कैसे? जब तक हमारे पास विदेशी धन नहीं आएगा देश तरक्की कैसे करेगा? दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है साथियों जो विदेशी देशों के साथ व्यापार ना करता हो।
अगर वो व्यापार नहीं कर रहा है तो वो टॉयलेट करवा करवा करके अनाज पैदा करवा रहा है। आई बात समझ में? नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है? किसानों से कह रहा है कि यूरिया भी परचेज करने के लिए पैसा नहीं है, पानी ज्यादा पिया करें और खेतों में ज्यादा मूता करें ताकि यूरिया बढ़ जाएगा। अब बताइए, आ रही है बात समझ में? क्लोज इकोनॉमी के अंदर जब धन होगा ही नहीं तो लोगों का काम कैसे चलेगा? इसलिए मजबूरी है मार्केट की ओपन होना, विदेशी व्यापार करना हमारी मजबूरी है, लोगों का घर से बाहर जाना हमारी मजबूरी है, इकोनॉमी का खुलना हमारी मजबूरी है। भाई आप अभी क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अपने घर को पूरी तरह बंद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, हमने ये कहा कि इस घर के सभी सदस्य बढ़िया से अंदर बंद हैं, मतलब बंद से मतलब क्या है, मतलब इस पूरे 100 की 100 की 100 लोग हैं, खेती बाड़ी ये कर क्या सकते हैं, अधिकतम क्या कर सकते हैं? मशीनीकरण कर सकते हैं, चीजों को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पर बहुत सारी मशीनों का उपयोग सब कुछ कर लिया, पैसा नहीं आ रहा ना बाहर से, वैल्यू एडिशन कैसे होगा? भारत भी वही कर रहा था, भारत ने कहा अपने आप बढ़िया कॉलेज ले दो लोगों के लिए, बोले ठीक है बढ़िया कॉलेज बना दिए, एग्रीकल्चर बढ़िया कर लो कर लेंगे, बोले एक काम करो औद्योगिक विकास कर लो रोजगार मिल जाएगा, बोले कर लो, विकास भी कर रहे हो लेकिन अल्टीमेटली रुक जा रहे हो, क्यों? धन नहीं आ रहा, धन के लिए खोलना जरूरी है। साथियों, भारत सरकार ने ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही जीरो कर दिया हमने, अब जो सरकार चल रही है फिर वो कैसे चल रही है? आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सरकार फिर कैसे चल रही है? अरे सरकार तो टैक्स ले रही है ना, आजादी के साथ से टैक्स है हमारे ऊपर, तो टैक्स के आधार पर जो पैसा लिया उसको कहां लगा दिया? औद्योगिक विकास में लगा दिया कि बोले इंडस्ट्री बनाओ बड़ी बड़ी। तो भारत ने औद्योगिक नीति 1956 जारी करी और बड़ी बड़ी राउल केला, दुर्गापुरा, ONGC, रांची, नेवी, ये सारी कंपनियां बनाई गई। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप सुनते हैं, स्टील प्लांट सुनते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस सुनते हैं, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत भारी भरकम पैसा हमने इनमें लगा दिया और सरकार का नुकसान क्या हुआ? पैसा तो लगा दिया लेकिन विदेशी मुद्रा आ नहीं रही, हमारे हालत खराब हो गई, मंदी की हालत हो गई, पैसा हो गया बहुत खत्म, हालत इतनी खत्म हो गई कि एक तरफ तो हमारा कृषि पर से ऊपर वो उठ चुका था, क्या कि हमारे पास कृषि के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि हमने कृषि की जगह ध्यान कहाँ लगा दिया? हमने ध्यान उद्योगों पर लगा दिया। दूसरा, विदेशों से धन आ नहीं रहा, 1961 तक आते आते तो हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम अनाज के लिए भी मोहताज हो गए, हम अनाज के लिए भी मोहताज हो गए, क्योंकि भारत पर इस समय आक्रमण हो चुका था। किसका? चीन का आक्रमण हो चुका था। भारत पाक युद्ध 1965 के अंदर तो यह हालत थे कि संपूर्ण भारत ने एक समय ही भोजन किया था, संपूर्ण भारत ने एक समय ही भोजन किया था, क्योंकि लोगों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, मतलब जो अपने वो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनने कहा कि भैया हम लोग एक समय का भोजन करेंगे और अपना भोजन जो है एक समय का सैनिकों को भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो अनाज है ना ही धन है। 1961 के दौरान तो हमारी हालत, जब नेहरू जी हुआ करते थे तब हालत अनाज की इतनी खराब थी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस कहाँ था? हमारा पूरा फोकस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में तो चला गया, अनाज नहीं था, अनाज नहीं था तो अब मल्लाएं कहाँ से अनाज? नेहरू जी गए अमेरिका, अमेरिका गए, अब आप पूछेंगे सर हम USSR क्यों नहीं गए? USSR अनाज में उत्पादन में अच्छा नहीं है, वो उद्योग धंधों में अच्छा है, सेल्फ रिलायंट है वो। हम गए अमेरिका, और जब हम अमेरिका गए तो नेहरू जी ने वहां पर निक्सन की सरकार थी, नाम भूल रहा हूँ यार किसकी सरकार थी, वो देख के ध्यान आ जाएगा, देख लेना, वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि सर हमको क्या चाहिए? अनाज चाहिए। तो बोले भैया अनाज चाहिए, अनाज तो ले जाओ लेकिन तुमको प्लानिंग छोड़नी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जो विचार हैं वो पूरी तरह साम्यवादी हैं, साम्यवादी लोग ही बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देते। जरा इसको विचार करिए, मैंने अभी हाल आपसे क्या कहा, अगर इंडिया क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी को सबसे पहले क्या चाहिए? भैया अमेरिका क्या चाहेगा? कि इंडिया का व्यापार उसको मिले, मार्केट मिले। बोले हमें आने दो, इंडिया ने कहा सर नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया है, हम कैसे आने दें? तो बोले जब तुम आने ही नहीं दोगे तो फिर तुम मेरे किस काम के हो, मैं तुम्हें केवल दान दे सकता हूं।
तो भाई साहब हमें दान दिया गया, वो अनाज दान दिया गया, और वो उसके लिए नेहरू जी ने मतलब वहां पर रिक्वेस्ट की कि हमें दान दीजिए, और दान दिया गया। तो वो दान जो कि अमेरिका सुअरों को खिलाता है अनाज, PL-480 उसी को बोला जाता है, वो अनाज हमें उसने भेजा, जहाज से वो आया। भारत को बड़ी मतलब शर्म का एहसास हुआ कि यार हमें अभी से अनाज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, हम करें तो करें क्या? या एक तरफ तो हम कृषि का विकास करें, और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने पहले ही कह दिया था जब अंग्रेज छोड़ के यहां से जा रहे थे, तो कह दिया था कि इंडिया विल नेवर बी ए सक्सेसफुल स्टेट, मतलब टच ही नहीं कर पाएगा, इतने देश बन जाएंगे। क्योंकि माउंटबेटन जब जा रहा था तो सारी रियासतों को आजाद कर गया था ना भाई, जिसको जहां जाना है जाए, देश की तो हालत बिगड़ने वाली ही थी। देश ने अच्छा, इस दौरान नेहरू जी की फिर मौत हो गई, क्योंकि उनको बहुत सेटबैक लगा, उन्हें लगा कि दुनिया उनकी मदद करेगी। इधर की तरफ से चीन का आक्रमण हो गया, चीन का आक्रमण हुआ और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति जो है उस दौरान मतलब उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो सर जी कौन पहुंचे? अपने ये लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचे। इधर चाइना पाकिस्तान जो है वो, अच्छा आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया वाले तो लेकर के बैठे थे डब्बा किस चीज का, कि हम तो क्लोज इकोनॉमी रहेंगे, है ना, क्योंकि इंडिया तो अपने आप को सुरक्षित लेके चल रहा था। लेकिन साथ पाकिस्तान इस समय ओपन इकोनॉमी था, आपको जान के आश्चर्य होगा, पाकिस्तान उस समय ओपन इकोनॉमी था, और ओपन इकोनॉमी के नाम पर उसके यहां अमेरिका का इन्वेस्टमेंट आता था। किसका इन्वेस्टमेंट आता था? अमेरिका का इन्वेस्टमेंट आता था। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में पाकिस्तान की ग्रोथ इंडिया से फार बेटर है। पाकिस्तान जो है ना, उसकी ग्रोथ जो है वो भारत से बहुत ज्यादा अच्छी थी शुरुआती दिनों में। आई बात समझ में? क्योंकि उसने तो बिल्कुल अमेरिका से कहा कि लीजिए हम अनाज पैदा कर रहे हैं, आप हमारा लीजिए, आप हमको सामान बेचिए, पूरा खोल के चलेंगे। और ऐसी स्थिति में जिसके पास धन भी है, क्योंकि भाई बहुत ही फर्टाइल लैंड लेके चला गया वो, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इंडिया अब किस किस से लड़े? भुखमरी से लड़े, गरीबी से लड़े, अशिक्षा से लड़े, रोजगार से लड़े, कि पाकिस्तानियों से लड़े। और अभी चाइना ने हमारा जमीन हड़प लिया, हमारे पास कुछ था ही नहीं। इधर से पाकिस्तान अटैक करने आ गया। तो पहले तो किसानों के अंदर जज्बा दिया गया, किसानों को जज्बा ये दिया गया कि देखिए आप ही हैं जो देश को इस समय बचा सकते हैं, अदरवाइज इंडिया विल बी ए फेलियर स्टेट, नंबर एक। दूसरा, आप ही हैं, जवानों से कहा कि आप ही हैं जो इंडिया को बचा सकते हैं। तो साथियों उस समय नारा प्रचलित हुआ, जय जवान जय किसान। भारत के किसानों ने फिर क्या किया? एक दिन का भोजन किया, एक समय का भोजन किया, अपने एक समय का भोजन सरकार को दिया कि आप इसे हमारी सेना तक पहुंचाइए। तो फिर मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ, अब वो सुनिए। अमेरिका ने भारत से क्या कहा कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसे तो हो नहीं पाएगा, ओपन मार्केट तुम बना नहीं रहे हो, तो एक काम करो कि तुम यहां से चले जाओ। तो भारत ने साथियों फिर अपने अंदर एक अवसंरचनात्मक परिवर्तन किया, और वो क्या था? बोले ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या, अब ये भी समझ लीजिएगा। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा हो, साथ में ऐसे क्षेत्र जो कि नदियों के किनारे हैं, वहां नहरों की व्यवस्था, उन्नत किस्म के बीज और उर्वरक, इन तीनों का उपयोग करके उन क्षेत्रों में जहां कृषि अच्छे से की जा सकती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सीमांत वो जो क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरिया जो उसके हैं, समुद्र के किनारे वाले आंध्र प्रदेश वगैरह, इनमें बोले ये लोग अनाज पैदा करें। और साथियों भारत ने इस क्रांति को इतना सही से पकड़ा कि आज भारत के पास अगले 2 साल का अपनी 150 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए अनाज भी है, और विश्व को हम हर साल सबसे ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो हमारी हरित क्रांति थी। आ गई बात समझ में? फिर आप सवाल पूछेंगे, सर एक बात बताइए, अमेरिका हमसे क्या चाहता था? हमने कहा यार अमेरिका चाहता था कि हम बाजार खोल दें। तो क्या सर हमने बाजार खोला? जी हाँ, हमने बाजार खोलना शुरू कर दिया, हमने अपना धीरे धीरे बाजार खोलना शुरू किया। तो अमेरिका जैसे देशों ने अब हमारे ऊपर एक चीज और अड़ा दी। क्या अड़ा दी साथियों? हमारे ऊपर अड़ा ये दिया, हमने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाजार खोलते हैं। हमने बाजार खोल दिया, हमने कहा कि सर 1 रुपया इंडिया की करेंसी रहेगा और 1 डॉलर जो है ये अमेरिका की करेंसी रहेगा, ठीक है। तो एक तरफ इंडिया हो गया बेटा, एक तरफ यूएसए हो गया, रुपया हमारी करेंसी, डॉलर अमेरिका की करेंसी। अच्छा, हमने कहा बराबर है जी, हम अपनी करेंसी को नीचे नहीं मानते। अमेरिका ने कहा शाबाश, मतलब तुम अपनी करेंसी को नीचे नहीं मानते। बोले नहीं मानते। तो बोले बेटा एक काम करो,
तुम्हारे इस 1 रुपए से तुम क्या पैदा कर सकते हो ये बताओ, तुम्हें चाहिए पैसा वैसा? हमसे बोले हाँ चाहिए। तो बोले सबसे पहले अपनी वैल्यू गिराओ, तुम ये मत बोलो कि एक पानी की बोतल, भाई रुपया और डॉलर का मतलब क्या है? अल्टीमेटली ये समझो 1 किलो गेहूं, ऐसे समझो 1 केजी गेहूं। इंडिया बोल रहा है चाहे तो 1 रुपए में 1 किलो केजी ले लो, 1 रुपए में 1 केजी गेहूं ले लो, या 1 डॉलर में 1 केजी ले लो। अमेरिका ने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा, बराबरी थोड़ी करोगे। तो बोले क्या तुम्हारा माल है, तुम गरीब हो, सस्ते रेट पे देना पड़ेगा। बोले सर सस्ते रेट पे देंगे मर जाएंगे। बोले मरो तो मैंने थोड़ी पूछा है तुमसे कि तुम फेलियर नहीं हो, मरो देख लो आप। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 5.6% से हम ग्रोथ करेंगे, लेकिन साथियों हम 2.8% से ही ग्रोथ किए। बोले पैसे का भाव गिराओ तुरंत, भाई साहब तुरंत भाव गिराए गए। 1966 में सबसे पहले हमने, वैसे तो 1949 में भी हमने एक बार भाव गिराए थे शुरुआती लेवल पर, फिर हमने मुद्रा का अवमूल्यन किया। मुद्रा का अवमूल्यन किया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 डॉलर इज इक्वल्स टू 10 रुपए था, अर्थात 1 डॉलर इज इक्वल्स टू 10 किलो अनाज था। गरीब का माल हमेशा सस्ता होता है साथियों। आप किसी भी स्टैंडर्ड शोरूम में जाएं, इतनी बढ़िया ब्रांड की जगह पर जाएं, आप लोग 1 पैसे का भी बार्गेनिंग नहीं करते। उसने कहा सर 1999 की शर्ट है, तो वो आपको एक का सिक्का सिक्का तमीज से पकड़ाता है, और आप कहते हैं थैंक यू, आप अंग्रेजी और बोल के आते हैं, या फिर कहते हैं कीप दी चेंज 1 रुपए के लिए। और आप गरीब के पास जाइए रोड किनारे जो सब्जी बेच रहा है, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि सब्जी 20 रुपए किलो है, आप उसे पूरी कोशिश करते हैं भैया 10 रुपए किलो देना यार, या 15 रुपए किलो देना यार। वीरेंद्र सारण बहुत सारी शुभकामनाएं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो अल्टीमेटली क्या करते हैं हम, तो ये जो स्थिति है ना, आप कह रहे हैं आप नहीं करते कोई बात नहीं, अमेरिका ने ऐसा किया था, अमेरिका ने हमारे साथ यही किया। बेटा तू तो बहुत गरीब है, तो बोले क्या? बोले बेटा सस्ता कर माल, तो लीजिए सर सस्ता ले जाओ, पर ले जाओ क्योंकि हमारा माल बिकेगा तभी तो डॉलर आएगा, और जब हमारे पास डॉलर आएगा तभी तो हम उस कुछ से कुछ कमा पाएंगे। क्योंकि इंडिया को अल्टीमेटली क्या चाहिए था? विदेशी मुद्रा इंडिया में आए, क्योंकि ग्रोथ तभी होगी जब मुद्रा आएगी। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे। मैम 2 मिनट में कॉल कर रहा हूं, प्लीज। क्लियर है? बोलिए, यहां तक कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आप इस बात को बताएं। अब यहां से अब आपको एक रुख मिल गया कि हमको कैसे चीजें चलनी है, तो आपको क्या याद करना है? मैंने आपसे कहा था कम से कम 3-4 दिन ये चलेगा, है ना? तो इसमें आपको क्या याद करना है, ये सारी की सारी चीजें, कि कौन से मतलब प्लान के दौरान ये चीजें आई थी, है ना? बोकारो स्टील प्लांट कौन से प्लान में लगा था, ये सब चीजें, है ना? देखिए ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन साथियों सच्चाई यही है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचिए कि स्थिति हमारी इतनी बिगड़ गई थी कि 66 के बाद तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम अपने लिए प्लानिंग कर सकें, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम अपने लिए प्लानिंग कर सकें। भारत ने अपनी प्लानिंग को छुट्टी पे भेज दिया, बोले प्लानिंग हॉलिडे हॉलिडे, बोले 66 से लेकर 69 प्लानिंग ही नहीं करेंगे, ये हालत आ गई थी सर हमारी। आ गई बात समझ में? चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।